गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बड़े होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं दिव्या दलाल, कैसे बनाऊँ व्लॉग, कोई बनाने नहीं दे रहे। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल दिव्या व्लॉग पे। तो आज तारीख है 11 और आज हल्द्वानी है, मैं है मेरा लास्ट डे, मतलब इसके बाद मैं जा रही हूँ घर को, क्योंकि यहाँ मेरा कंप्लीट हो गया है तो घर को जाना है इसलिए। और अभी आप लोग देख रहे होंगे मेरे साथ भावना नहीं है, भावना रूम देखने के लिए गई है क्योंकि भावना यहीं रह रही है। तो मैं जा रही हूँ खाली अपने घर को, तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ कोचिंग को। और भानु मेरे को आधे रास्ते पर मिलेगी क्योंकि वो रूम देखने के लिए गई है। तो अभी बजे हैं सुबह के 11 और मैं जल्दी जा रही हूँ क्योंकि आज GS की क्लास नहीं पढ़ेंगे हम। A few moments later. Guys, हम आ गए हैं कोचिंग से। सुबह मैंने व्लॉग शुरू अच्छे से नहीं किया था तो, क्योंकि मेरे कॉल आ गई थी, भानु कॉल कर रही थी तो मैं व्लॉग अच्छे से स्टार्ट नहीं कर पाई। पर आज हम कोचिंग से जल्दी आ गए हैं, अभी बज रखा है 1:30 तो हम जल्दी आ गए हैं क्योंकि हमें घर जाके भानु को थोड़ा कपड़े वपड़े भी धोने हैं और रूम शिफ्ट भी करना है भानु को, और फिर हमें बुआ लोगों के वहाँ भी जाना है क्योंकि आज लास्ट दिन है तो बहुत सारा काम है। इसलिए हम खाली स्टेनो की क्लास लेकर के आ गए हैं और अभी भानु गई है ATM में पैसे निकालने के लिए। तो फिर मिलते हैं आपको आगे दिखाते हुए। तो गाइस, हम पहुँच गए हैं रूम पर और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। भानु यहाँ पर लेट गई और मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप लग रही है तो धूप में आए हैं, थक गए हम। तो थोड़ा सा कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं और जाते हैं बुआ लोगों के वहाँ को, और फिर दिखाते हैं आपको बुआ लोगों के वहाँ। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। हम चले गए हैं बुआ के घर के लिए, हमने ऑटो ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं ऊंचा पुल के लिए। यहाँ की रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। लाल हो गए इधर, मेरे को लग रहा है पहले जैसा फटने वाला है अब। वो लग ऐसे ही रहे। तो पहुंच गए हैं हम लाल डाट पे। तो गाइस, पहुंच गए हैं हम बुआ लोगों के घर की कॉलोनी में। तो थोड़ा सा आगे और है और हमारी हालत देखिए ऊँचों को ऑटो में, अरे बाल, मतलब यहाँ की रोड बहुत ख़राब है, उछल उछल के आना पड़ता है। तो फिलहाल हम जाते हैं और जानवी से मिलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। वो सामने वाला वही है क्या? सामने इधर कहीं घर है उनका। तो हम पहली बार आए हैं, अपने हिसाब से जा रहे हैं। वैसे तो हमें बुआ मिल गई है रास्ते में, उन्होंने बता दिया है हमें इधर ही को जाना। पहुंच गए हैं हम बुआ के घर पे और ये है उनका घर। तो गाइस, शायद जानवी खोलेगी दरवाज़ा, एक बार और बजा लें। आ ये देख, चरण स्पर्श अच्छे से, अच्छे से, अच्छे से आपको तो मुंह लाल हो गया एकदम। अरे धूप में से आ रहे ना, कहीं गए थे कोचिंग? कोचिंग के अलावा हम कहीं नहीं जाते, नहीं जाते हम कोचिंग के अलावा। छूले के पाप नहीं लगेगा, ये जिम जाके पतला हो गया ना। ये है जानू की छोटी बहन गौरी, इधर आओ। हेलो, सब पे ऐसे पागल जैसे निकल रहा है। बच्ची तो सुंदर लगते है वैसे ही, टपोरी जैसी बोल दे रही यार, इतनी क्यूट तो लग रही है। सॉरी, ये टपोरी बोल रही है ना, ये अच्छी दीदी जानू, अच्छी तुम्हारी दीदी, क्या है आपको अपने फूफा जी से? हम तो छोटे, और ये है फूफा जी। ब्लॉग बनाने में ये सब्सक्राइब करो पहला कर लो, ब्लॉग फिर बना लेना पहले। मैं तो बना ही रही थी। ब्लॉग बनाओ बनाओ, खूब बनाओ। बैठो, बैठ जा, यहीं बैठ जा, बस बैठे हैं। तुम आज आगे, ये देखो जानू को ब्लॉग में नहीं आ रही है जो, मेरी तुम आ जाओ। हाय गाइस करो, हेलो गाइस, कैसे
तो गाइस हम नाना चाय नहीं पीते हुआ हम हाँ नाना चाय नहीं पीते तो कब से बैठे थे, जूस वूस पी लिया, फ्रूट्स खा लिए, सेवा हो रही थी, अभी तक मेहमान वाले चल रहे हैं तो अभी जा रहे हैं थोड़ा छत पे। दरवाजा कितना टाइट है रे, खोल दे, तू ही खोल दे, इतनी ताकत नहीं है मेरे में। जानू के गप्पे चल रही है और ऐसी बातें कर रही है ना, इतना हंसा रही है हमें, क्या ही बताएं। नहीं मैं क्यों करूं, नहीं हमें सबके खानदान की कहानियां सुनाने में लगी है, सबके खानदान के बारे में बता दिया इसने यहाँ से हमें। वही डूब जाएंगे हम भी, बस पूरे खानदान के बारे में बता दे उनके, इधर हमारे वहाँ के रहते हैं कौन सा वाला, पूरे वहाँ पर वो दिख रहे हैं ऐसे बेल आ रखी है वो बीच में, हाँ उसके पीछे वाला जो ब्लू मकान दिख रहा है ना, हाँ वो है। अच्छा वो वाला जिसके बगल में येलो कलर का मकान है, पता यहाँ वो भी रहती है वो देव। गाइस हम आ गए हैं बुआ के घर से विदाई लेके और फिलहाल हम यहाँ से निकल गए हैं। तो जानू बोल रही है एक छोटा सा मॉल है यहाँ, क्या नाम बोला तूने मॉल का, कुत्ते को दूर दूर रखना प्लीज। नहीं खाएगा पूरा शरीर में, ऐसा मत बोल तू। तो ये बता मॉल का नाम क्या है, स्मार्ट पॉइंट मॉल है इधर कहीं, तो हम वहीं जा रहे हैं। दो मॉल है, दो मॉल आज भानु धूप में जा करके लाल टमाटर जैसे हो गई है, दो है तो जानू आज हमें जो दिलाती है, फिर दिलाने का तो मेरा कुछ है नहीं, मैं खुद ही आपके भरोसे बैठ के आ रही हूँ। हम बेरोजगार आदमी हैं, जिस दिन जॉब लगेगी ये हमारे साथ आएगा देखने, ऐसा बोला यार वैसे ही इतना डरावना सा कुत्ता है, तो दिखाओ गाइस तो तूने ही तो बोला कुत्ता दिखा करके। गाइस वहां से हम चले आए मॉल, मॉल नहीं है छोटा सा है, ये है ग्रोसरी टाइप, ये ऐसे जारी होगी ना जैसे क्या जो लेना होगा इसको, रसगुल्ले हाँ ये हम भी ले जाते हैं इनके, बहुत अच्छे बनाने पड़ते हैं। बोलेंगे अंकल एक बार बता देते, बोलेंगे क्योंकि कि हमारे वीआईपी आ रखे हैं, अगर अंकल जी नहीं इतना ही मत करो माले, यही तो दिला फिर पॉपकॉर्न ले लो। देखो गाइस हम खटे में टांग अड़ा रही, टीम कोड देंगे टीम कोड मिलेगा आपको, आपको ये पूरा कुछ तो नहीं मिल सकता है, पॉपकॉर्न जरूर मिलेगा, बस आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। भानो कौन सा ये, हाँ यार ये मेरे को देख जा, जा। पहले कितने का है, 100 का है, मैंने तो बहुत महंगा समझा था, अच्छा वो तो ठीक है, पर मैंने तो बहुत ओरिगेनो चिली फ्लेक महंगा, ये पिज्जा में आते हो ठीक है, वही उसी से काम चला लेंगे फिलहाल, तो तू जो दिलाएगी वो तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, समझ ही नहीं आता। तो गाइस आपको कोई सा ब्रांड चाहिए आप बस इस नंबर पे कॉल करिए, नंबर क्या है यार, हाँ यहाँ मिली, कुछ ले जाओ ऐसे बोल रही है, 10-5 रुपए की चीज होगी, वही भी बोल रही है फिर, वाह देखो नहीं अच्छे से था, अच्छे से क्या तुम हमारा पति बनना, मैं व्लॉग बना रही हूँ,
मेरी रिंग बस कान नहीं करने में रहो तुम नीचे वाले में था गैस रिंग ले ली है और ये बनानी है अभी ऊपर वाला बहुत गर्मी हो रही है यहाँ से पंखा नहीं चला ना बिल्कुल गैस इसमें खोल रहा तुमने क्या कर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमारे लेने लायक का कुछ भी नहीं है यस चलो तो गैस और कुछ नहीं ले सकते हम बस इनके अलावा तू भी पहन ले और भानु ने प्यारा लिया जानू ने जा रहे हैं और हम इतनी बड़ी मॉल से बस छुपा चुप्स लेके आए अपने अपने लिए तो हम इसको छोड़ने जा रहे हैं अभी पहुंच गए हैं लाल डाल रोड पे ऊपर पे यहाँ मेन चौराहे का नाम मेरे को नहीं पता जो भी है अभी तो ऑटो से उतर के थोड़ा हम पैदल चल के आए और यहाँ पे थोड़ा खा रहे हैं पानी पूरी और यहाँ की पानी पूरी बहुत ज़्यादा फेमस है तो यहाँ पे पानी पूरी खाते हैं बाद में वरना मैं मिस करूँगी उधर पानी पूरी बना रहे हैं ये अपना मुन्नी दिखा रही है आज मेरे को 300 ज़्यादा हो रहा है देखो क्या पता गाइस हम पहुंच गए हैं रूम पे और अभी भानु के रूम का पता नहीं क्या हो रहा है देखते हैं भानु शिफ्ट करेगी पर हमें लेट हो गया था आने में तो हम उसका सामान लेके नहीं गए अभी वो घर पे बता रही है सारी बातें कि मैं क्या करूं तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें फिलहाल मैं गिटार बजा के अपना टाइम पास करती हूँ कपड़े वपड़े भी चेंज नहीं किए हमने गाइस अगर गिटार हो तो आप वीणा वीणा सबका काम कर सकते हो बस आपको बजाना आना चाहिए तो देखते हैं क्या होता है पहले मैं कपड़े चेंज करके आपको सुनाऊंगी एक प्यारा सा सॉन्ग तो गाइस अभी बजने वाले हैं 9 और तब से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था तो मैं अभी शूट कर रही हूँ और आज हम बाहर से खाना खा के भी आ गए ये मत सोचना कि हम स्पेशल डिनर करके आए हम सब्जी नहीं लाए थे इसलिए हम बाहर खाने गए आज और अभी हम कर रहे हैं सामान पैकिंग यहाँ देख सकते हो सारा उथल पुथल कर दिया हमने टी में रख रही है छोटी मोटे सामान और यहाँ पे हमारे टैडी और तेरा कॉल आने वाला था क्या चमकाओ देख सकते हो सारा रूम उथल पुथल कर दिया है हमने और ये कुली ये फैल रखा है इसमें मैंने अपना लैपी रख दिया है और एक साइड से कॉपी किताब रख रही हूँ तो हमारी चल रही है पैकिंग और आपको भी दिखाते हैं देख सकते हो इतना सारा सामान फैल चुका है ये भानु ने अपना सामान इसमें रख लिया मैंने छोटा मोटा सामान अपना इसमें रख लिया और ये हमारे बर्थडे के जितने भी डब्बे हैं सारे निकल रहे हैं कपड़े तो मैंने पहले ही भेज दिए थे पापा लोगों के हाथ और ये भानु ने मेरे लिए डिज़ाइन बनाई थी एक डिज़ाइन मैंने घर भेज दी वो आपको मैं घर जा के दिखाऊँगी
तो ये सामान सारा फाइनल हो चुका है और आज ये गिटार भी लेके जाना है मेरे को। तो गाइस अभी बज गए हैं 10:30, सारा सामान वो करते हुए, और ये देख सकते हो कैसा फैल रखा है सब कुछ। अभी और दिखाती हूँ आपको यहाँ का कमरा, अंदर मेन ही देख सकते हो। ये हमारा सामान पैक हो गया है और ये बिस्तर, पूरा कमरा इतना स्वच्छ हो गया हमारा कमरा ना, हमारा घर अब एक कमरा बन चुका है। अभी इतना सामान इतना फैला हुआ है यहाँ, सब भानु ने पैक करना हुआ है बहुत ज़्यादा। अभी तक भानु का रहने का नहीं रहने का कुछ कंफर्म नहीं है, इस वजह से इसका आधा सामान फैला हुआ है। मेरे को तो जाना है तो मैंने अपना पैक कर लिया है एक चीज़ भी मैं। तो गाइस बिस्तर लगा दिया है और हमारा सोने का टाइम हो गया है, और ज़्यादा हम ये भी नहीं सोच रहे हैं कि कल जाना है। बुरा लगता है, रोना आता है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि कुछ टाइम बाद मेरे को भानु को फिर से पढ़ाई के लिए आना ही है। तो ये कुछ टाइम के लिए हम रूम छोड़ रहे हैं। तो गाइस ये इस कमरे में और यहाँ हल्द्वानी में, मेरी मतलब इस कमरे में शायद हम अब नहीं रहेंगे, ये हमारी लास्ट नाइट है इस कमरे में। तो ये कमरा हमारा घर बन गया था, जहाँ हमारी हर छोटी मोटी याद है, मतलब सब कुछ। इतना बड़ा घर सब हमारे नाम पे था, जबकि हम दो लोग थे, तीन कमरे यहाँ हमारे थे, तो फिर भी बहुत सारी यादें बन गई यहाँ। तो बहुत बुरा लग रहा है कि हम जा रहे हैं घर के, पर ऐसे ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं कि हम जा रहे हैं, क्योंकि बुरा लगता है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। तो कल ही मिलती हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मेरा वेट करें, और अभी के लिए बाय, गुड नाइट, हल्द्वानी की लास्ट नाइट, बाय।